तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव को बीजेपी और एबीवीपी के लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं। मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में पहुंचे थे अखिलेश यादव, तो डालीगंज के गोमती किनारे हो रहा महायज्ञ के दौरान अखिलेश यादव पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी और एबीवीपी के लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव को बीजेपी और एबीवीपी के लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं। आपको बता दें कि वहां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में शामिल होने अखिलेश यादव पहुंचे थे, इस दौरान काले झंडे दिखाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए हैं। अखिलेश यादव को बीजेपी और एबीवीपी के लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, तो वहां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में शामिल होने अखिलेश यादव पहुंचे थे, इस दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए हैं। तो डालीगंज के गोमती किनारे महायज्ञ हो रहा था, इस दौरान अखिलेश यादव महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह अखिलेश यादव के पहुंचने के बाद उनको काले झंडे दिखाए गए और पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या पूरा मामला है, आखिर क्यों अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, लखनऊ के गोमती तट पर मां पीताम्बरा 108 का महायज्ञ होना था, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव को वहां पर जब पहुंचे हैं, तो वहां पर उनको हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू परिषद, साथ ही और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद, हिंदुवाद को लेकर तमाम तरीके की जो अलग अलग विवादित बयान चल रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से आज एबीवीपी के छात्रों ने हिंदू महासभा संगठन के तमाम जो कार्यकर्ता उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता उसमें शामिल थे, जिन्होंने अखिलेश यादव को आज काले झंडे दिखाए। आपको बता दें कि गोमती तट के किनारे मां पीताम्बरा 108 का महायज्ञ होना था, जिसमें अखिलेश यादव शामिल हुए। उसके शामिल होने के बाद जब वहां से वो रवाना हुए, तो वहां पर उनको काले झंडे दिखाए गए। हालांकि इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने बाइट जारी करते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आज हमें इस यज्ञ में पहुंचना था, उसमें जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा जी कि जी अविनाश, तो जिस तरीके से माप संबरा 108 यज्ञ में वहां पर अखिलेश यादव पहुंचे थे, तो उन्होंने उसमें स्टेटमेंट दिया कि कई जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको जो है इस हमारे यज्ञ में पहुंचने में दिक्कत है, तो उस तरीके की उन्होंने आज स्टेटमेंट भी दिया आपने उस जानकारी में। साथ ही आपको ये भी बता दें जी अविनाश, कि जिस तरीके से जी अविनाश, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपनी बात पूरी करिए। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज, अविनाश आप अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, तो अखिलेश यादव जब वहां से रवाना हुए, तो उन्होंने वीडियो से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आयोजन से मिलने के लिए मैं यहाँ पर स्कूल प्रांगण में आया हुआ था, लेकिन भाजपा के लोगों ने जो है इस तरीके से जब हम यहाँ पहुंचे थे, उसका विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाजपा आरएसएस एक दूसरे के बिना नहीं है, साथ ही जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था, तो भाजपा और आरएसएस की तरफ से उनको धमकी दी जा रही है। तो उन्होंने ये भी कहा कि धर्म का जो ठेकेदार है, कोई उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो का स्टेटमेंट आज को यहाँ पहुंचे, काले झंडे दिखा रही है, इनके नहीं है। जी अविनाश, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव को बीजेपी और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने झंडे दिखाए हैं काले, और मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में शामिल होने के अखिलेश यादव पहुंचे थे, इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए हैं।